व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सूरज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जरूस ब्लॉग। सो गाइस, आज है रिपब्लिक डे 26th of January और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक फ्लैग होस्टिंग का पूल लगा हुआ है और यहाँ पे ग्रुप के सारे मेंबर्स बागची, सुजीत, कुट्टी, उसका नाम भूल गया, सुमन, रौंदा और भी काफ़ी सारे मेंबर्स आने वाले हैं यहाँ पे। अभी क्या है ना कि यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होगा और एक अच्छा बात यह है कि यस बॉस, मतलब हमारे जो स्ट्रीट डेविल्स के राइडर्स हैं, उन्होंने कुछ टी शर्ट्स बनाए अपने लोगों के साथ, राइडर के नेम के साथ। सो वो टी शर्ट, ये रहा टी शर्ट। अभी सब कह रहे कि बारी बारी करके इसको लेने वाले हैं और आज का राइड जो है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। मैं चला जाऊँगा, स्ट्रीट डेविल्स के जितने भी अदर्स मेंबर है वो यहाँ से जाएंगे, स्ट्रीट डेविल्स के जितने भी मेंबर है वो यहाँ से जाएंगे आज़ादीन ढाबा। तो वहाँ पे जाके हम भी इन लोगों से मीट करने वाले हैं। पहले तो इसको यहाँ पे सबको देते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ से दमदम जहाँ पे है नंदूदा खड़े है वहाँ पे। तो देखा ना कैमन हो चे, तो सूरज दा किछु बोलो, अनपैक करो अनपैक। ये है स्ट्रीट डेविल्स का लोगो और ये है सुजीत दास यानी ये बॉस का टी शर्ट। तो ऐसा कुछ है और ये क्या है ना कि फैब्रिक प्रिंट है, रबर प्रिंट से कहते हैं, फैब्रिक नहीं रबर प्रिंट है। तो ये बॉस का है, ये अभिनंदन बागची। यस सर, प्लास्टिक ग्लास सब एक जगह लिखे। अच्छा बागची क्लियर अभी क्या है ना कि सब कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे बाकी है फ्लैग होस्टिंग का। अभी फ्लैग होस्टिंग इन लोगों को करने दो और हम निकलते हैं दमदम नंदूदा के पास। सो क्या है ना कि यहाँ से मैं भी 15 से 20 मिनट लगेगा वहाँ से, और वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं आज़ादीन ढाबा। सो चलो, अभी बैटरी क्या है ना कि कैमरे का बैटरी अभी चार्ज हो रहा है। Hey, what's up guys? So, क्या है ना कि अभी हम लोग हैं बेलगुड़िया एक्सप्रेस में और यहाँ पे है नंदूदा, उनके दो फ्रेंड्स हैं। अभी क्या है ना कि हम लोग यहाँ से कुछ नाश्ता करने वाले हैं, उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे आज़ादीन ढाबा। वहाँ पे वेन्यू है आज का। सो ये रहा मेरा बाइक और गाइस ये है रेड ब्यूटी जो कि नंदूदा का है। तो कि अभी हम लोग पहुंच गए टाइम हो रहा है 8 बजने को चला है और हमारे जो आज का वेन्यू है हमारा और जिस ग्रुप ने आज का राइड जो ऑर्गेनाइज करा हुआ है वो अभी तक कोलकाता में ही है। तो उन लोगों को आने दो। और क्या है ना कि अभी यहाँ पे काफ़ी बाइकरों का लाइन है, एज यूजुअल हर टाइम रहता है, हर संडे रहता है। तो एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं यहाँ पे। और ये है हमारे पुराने दोस्त देव ऑर्गो, मतलब देव भी है ऑर्गो भी है, दोनों नाम लेके बैठे हुए। तो चलो गाइस, तो कहने के अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और वेन्यू का जो मीटअप का टाइम था वो था 8:30 बजे का। अभी यहाँ से डानकुनी टोल प्लाजा से हम लोग निकलने वाले हैं और ये रहा हमारे ग्रुप का लाइनअप। वहाँ पे काफ़ी सारे बाइकर्स हैं, यहाँ पे हमारे स्ट्रीट डेविल्स का ग्रुप स्ट्रीट डेविल्स का राइडर्स
और ये टी शर्ट जो है आज बना है, और हमारा जो बाइक है वहाँ पे लाइनअप है। सो क्या है ना कि अभी चलते अपने बाइक पे, गियर पहनते हैं, देन निकलते हैं हिंदुस्तान होटल। उससे पहले शायद मैंने बोला था कि आज़ादी जाने वाले हैं, तो आज़ादी नहीं है, वो हिंदुस्तान होटल होने वाला है। सो चलो यहाँ से स्टार्ट करते रहे। अब पता है कि मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, रीज़न कि मेरा जो एक्शन कैमरा है कुछ तो दिक्कत कर रहा है उसका, वो आज जाके देखना पड़ेगा। सो एक एक करके राइडर्स निकल रहे हैं और हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। पहुँच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:10, हिंदुस्तान होटल पहुँच चुके हैं। हमारा जो इवेंट है पीछे वहाँ पे सेटअप वगैरह लग रहा है इंजन ऑयल का, जो इवेंट पे हम लोग आज आए हुए हैं। तो क्या है ना कि यहाँ पर काफ़ी सारे बाइकर्स आए हुए हैं, इसका माहौल आप लोगों को दिखाते हैं। उसके बाद कुछ हम लोग को ब्रेकफास्ट के अरेंजमेंट करे हुए हैं इन लोगों ने, सो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। और अभी क्या है ना कि बाइकरों का लाइनअप दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर, नाश्ता भी करना है, काफ़ी भूख लगा है। सो और हमारे पीछे सायन भाई, कैसे हो? साढ़े के साढ़े, मतलब बहुत दिन बाद भाई से मिला। कोई भी संडे यहाँ पे आते हैं ना तो इनसे मुलाकात होना बनता ही है, मतलब फ़ोन नहीं करते तब पर भी आके मिल लेते हैं। सो ये रहता है कि भाईचारा, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। मैं हर संडे नहीं आ पाता हूँ, कल मेरा सुजीत भैया से बात हो चुका था पहले से, और मैं उसको कॉल करने लगा तो उसका फ़ोन में मतलब बिजी था कॉल, मैं उसको कॉल करने लगा तो सूरज भैया बस इतना है ना, नहीं हो पाया। सो क्या है ना कि ये हमारे साथ है यस बॉस राइडर मिस्टर सुजीत दास, इनका भी यूट्यूब चैनल है, मैं लास्ट वीडियो में भी लिंक दिया था नीचे, तो वहाँ पे जाओ चेकआउट करो चैनल को, क्योंकि ये पूरा जो ब्लॉग है सब बंगाली में करते हैं। और हमारे स्ट्रीट डेविस के ग्रुप सब नया टी शर्ट पहन के ना पूरा एकदम शर्ट ऐसे, मतलब सबका शर्ट ऐसे खोला हुआ है नया टी शर्ट के लिए। सो चलो अभी ये देवो ज्योति, सो अभी क्या करते हैं कि लाइनअप दिखा देते हैं आप लोगों को, उसके बाद अंदर चलते हैं। यहाँ का माहौल दिखा देते हैं, वहाँ पे एक बैरिकेड लगा हुआ है, जो कि जो इवेंट वाले हैं वो इस साइड बैठने वाले हैं, और इवेंट के जो बाहर वाले हैं वो बैरिकेड के उस साइड। और यहाँ पे कुछ ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट करा हुआ है,
हमारे कुछ दोस्त इस टेबल पे बैठे हुए, कुछ दोस्त उस टेबल पे बैठे हुए। अभी क्या है कि नाश्ता चल रहा है, नाश्ता नहीं बेसिकली वो चाय चल रहा है। चाय के बाद कुछ ब्रीफिंग होगा, वहाँ पे ब्रीफिंग के लिए एक अलग से टेबल बना हुआ है, उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो ये है ब्रीफिंग का टेबल, यहाँ पे कुछ इस इंजन ऑयल के बारे में बताएंगे इन लोगों। और यहाँ पे है स्ट्रीट टेबल्स के पूरा ग्रुप, ये टेबल जो है ना इन लोगों ने पहले आके बुक करके रखा हुआ है। और ये है मिस्टर रॉन, जिसका दिख रहा है शायद बाल सफ़ेद हो गया है उम्र के कारण, राइड करने के कारण नहीं। तो चलो इसके बाद नाश्ता करते हैं, वो दिखाते हैं बुढ़े में आप लोग। के साथ ही अवेलेबल है यहाँ पे आज लगाने का है। ब्रीफिंग स्टार्ट हो चुका है और कुछ इंजन ऑयल के बारे में कुछ समझा रहे हैं। इसके साथ में हम लोग एक इंडिया में एक बस और ट्रक है जो कि बहुत प्रीमियम माना जाता है, इसका नाम है वॉल्वो। वी आर द एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ द वॉल्वो थ्रू आउट इंडिया। वॉल्वो के इंजन ऑयल, गियर ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, वो सारे जी एस कैटेक्स की सप्लाई करती है पूरे इंडिया में। तो जस्ट आप लोग समझ सकते हो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है जिसके कारण ये वॉल्वो जैसी प्रीमियम गाड़ी में जाती है। इसी तरह बाइक पे भी जो ऑयल फाइनली हम लोग को गुडीज मिल गया है। अभी क्या है कि दिखाते हैं कि क्या मिला हम लोग को गुडीज में। अभी तो गुडीज ना भाई, एक मिनट आ लेके मेरे अंदर कोड मिले। सो गाइस फाइनली हम लोग को गुडीज मिल गया है। यहाँ पे एक पेन मिला, ब्रेकफास्ट जो है वो कलेक्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में हम लोगों को मिला है ये बस समझ लो इतना ही। कि हर एक चीज़ का तो नाम नहीं पता है, तो बस देख लो वीडियो के थ्रू, दैट्स इट। और मेरा वाला यहाँ पे रखा हुआ है। तो गाइस फाइनली हम लोग का जो ब्रेकफास्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, बस 10-5 मिनट के अंदर हम लोग निकलने वाले हैं। काफ़ी छोटा सा इवेंट था लेकिन काफ़ी अच्छा इवेंट था, कुछ गुडीज मिला है। होप यू गाइस कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।